जिंदगी मेरी खतरे में है, आपके हाथ में है, एक लाइन में सर कहने जा रहा हूँ। और वो लाइन सुनने के बाद भैया कलेजा फट जाएगा, बता रहे कसम से, शरीर थरथराएगा आपको, रात को नींद नहीं आएगी। बाराबंकी जबल भाई साहब मौत का तांडव हुआ है, यही नहीं बिना पैकिंग के थमा दिया गया संक्रमित का सब, चारों तरफ हड़कंप मच गया। साथी भाई साहब अर्चना मिश्रा जी के पिताजी थे जिनकी आडियो आपने सुनी, डीएम साहब ने निरीक्षण करने पहुंच गए, मैं हॉस्पिटल गए, हिंद हॉस्पिटल गए। भाई साहब हम पहले ही बताए थे कि देखो भैया देखो, हिंद हॉस्पिटल वाले तो नोटिस चिपकाए हैं कि इधर फोन करोगे उधर ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर सब कुछ छीन लिया जाएगा, सीधे फर्श पे लिटा देंगे। वैसे भाई साहब डीएम साहब निरीक्षण करने के बाद क्या बोले, सुनिए जरा। विगत कुछ दिनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कतिपय अस्पतालों में जो शासन द्वारा निर्धारित दरें हैं जनरल वार्ड की एवं प्राइवेट वार्डों की, उनसे अधिक दरों पर कतिपय अस्पतालों द्वारा मरीजों और एवं उनके परिवार वालों से धनराशि ली जा रही है। इस संबंध में पिछले दिनों में भी जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई की थी। कुछ दिन पूर्व जनपद में स्थित आस्था अस्पताल से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर हमारी टीम वहाँ गई थी और प्रथम दृष्टता ये सही पाए जाने पर वहाँ पर नए कोविड मरीजों की भर्ती को प्रतिबंधित किया गया था और उसकी एक जांच कमेटी बनाई गई है और जांच की जो भी आख्या होगी उसके अनुसार अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज मेरी अध्यक्षता में प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद में स्थित L2 एवं L3 अस्पताल, हमारे मेयो एवं हिंद अस्पताल में हम लोग ने जाकर जो उनके अभिलेख थे उनको देखे थे और कुछ रैंडमली कुछ मरीज़ों के अभिलेखों का परीक्षण भी किया गया था। प्रथम दृष्टता उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जो कि जिनमें विसंगति प्रतीत हो रही थी और इस संबंध में उन अभिलेखों को हमारी टीम द्वारा और भी गहन परीक्षण किया जा रहा है एवं तदनुसार उसमें जो भी परीक्षण उपरांत फाइंडिंग्स आती हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किंतु अब भैया आपको मेयो हॉस्पिटल का कारनामा सुनाते हैं, आडियो वायरल हुई है और भाई साहब अर्चना मिश्रा जी के पिताजी हैं उन्हीं का आडियो वायरल हुआ है। भाई साहब उनकी मृत्यु हो गई, वो डॉक्टर से चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कहते रहे, विनती करते रहे, लेकिन ना तो डॉक्टर सुना ना ही मेयो हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी। सुनिए जरा कलेजा कांपेगा। हेलो, हाँ सादर प्रणाम सर। हाँ डॉक्टर नमस्कार, कैसी तबीयत है? सर तबीयत तो ठीक है, जिंदगी मेरी खतरे में है, आपके हाथ में है, एक लाइन में सर कहने जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ सर? खतरा ये हुआ कि RT-PCR रिपोर्ट जो है निगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज करने का नियम है और हमसे लोग कहे कि आज हम करा देंगे, RT-PCR नहीं करा पाए हैं और डिस्चार्ज कर दिए सर। जरा अगर आप तुरंत नहीं रोकेंगे तो जिंदगी खतरे में है सर, जरूर मेरे लिए सर, इसके इतना तो हम आपसे अधिकार है ये कहने का कि हमको आज रुकवा दीजिए एक दिन के लिए। नहीं तो क्यों, अब तो आप जब ठीक हो तो अपने घर आइए सर। मरीज कहता रहा कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट निगेटिव नहीं है और निगेटिव नहीं तो कैसे ठीक हो गए, आखिरकार भाई साहब मरीज की मृत्यु हो गई, लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहा था? कहाँ सर, निगेटिव को ठीक कहते हैं, निगेटिव हुआ ही नहीं तो कैसे सर ठीक है? निगेटिव करवा दें हमको, निगेटिव करवा दें, कल भेज दें एक दिन के लिए सर। नहीं तो वो निगेटिव, वो तो आप कह तो रहे कि RT-PCR निगेटिव हो गई है। हमने कभी नहीं कहा सर, हमने कहा कि उन्होंने भेजा था, अभी पॉजिटिव चल रहा है, आज करवाएंगे फिर तो निगेटिव हो जाएगा, कल हमको भेज दें। अरे तो अब तुम्हें दिक्कत क्या है, अब तो आराम है, अब घर आओ, आराम से घर में रहो, अब तुम्हें तो जल्दी छुट्टी ही आना चाहिए वहाँ सर, कोई दिक्कत सर। पता नहीं कहाँ से आपको किसने समझा दिया सर, इसमें मेन चीज ये है कि जब तक निगेटिव नहीं होंगे तब निगेटिव को, हम पॉजिटिव थे, निगेटिव होने के लिए आए हैं, निगेटिव हुए नहीं तो कहाँ ठीक है सर। लेकिन डॉक्टर साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डॉक्टर साहब तो कहते कि तुम घर को जाओ, बस हॉस्पिटल खाली करो, और नहीं जाओगे तो डॉक्टर साहब बोलते तुमको शौक लगी है, हॉस्पिटल में रहने का मन करता है, मान चलो भाई साहब वहाँ तो अमृत की वर्षा होती है। सुनिए जरा, तो तुम्हें भी अस्पताल में भर्ती रहने का शौक है हमें लगता है। तो सर करवा दें, रहने दें सर, मत कुछ करें, अब हम आग्रह कर रहे हैं, अगर शौक इसको कहते हैं, नियम नहीं कहते हैं, जिंदगी नहीं कहते हैं तो सर हम कुछ नहीं कहेंगे सर, हाथ जोड़ करके जैसा आप चाहें सर कर। बेचारा मरीज भाई साहब डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ता रहा, गिर गिराता रहा, भाई साहब हमारा कलेजा फट गया सुनते सुनते, लेकिन बताओ जरा आखिरकार मौत हो गई, कोई भाई साहब सुनवाई नहीं हुई। वैसे भाई साहब बाराबंकी के डीएम साहब सख्त रवैये में दिख रहे हैं, बता दें कि फर्जी पैसा लेने वाले हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुनिए जरा, करना चाहता हूँ कि जो शासन द्वारा निर्धारित दरें हैं कोविड और एवं कोविड प्रिजम्प्टिव मरीजों के उपचार के लिए, उन दरों पर ही सभी अस्पतालों
को धनराशि लेना है, और यदि वो व्यक्ति हमारे कंट्रोल रूम से रेफर होके जाता है और उसका आयुष्मान दर पे सरकार द्वारा रीइंबर्समेंट किया जाना है, तो उस मरीज़ या उनके रिश्तेदारों से कोई भी धनराशि किसी भी अस्पताल द्वारा नहीं ली जानी है। यदि शासन के इन निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसमें कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई संबंधित के खिलाफ की जाएगी।